हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की कहानी का नाम है हमारा हंसना मना है। तो देखते हैं क्या है कहानी में। शांति और अरुण अच्छे मित्र हैं। वे एक साथ खेलते कूदते हैं, घर के रास्ते में दौड़ लगाते हैं। शांति हमेशा खुश रहती है। एक दिन शांति धीरे से अपनी कक्षा में घुसी। उसका सिर झुका हुआ था, वह उदास दिख रही थी। क्या तुम्हें किसी ने डांटा, अरुण ने शांति से पूछा। शांति ने अपना सिर हिलाया और अपनी जगह पर बैठ गई। सिर उठाकर भी नहीं देखा। सोना दीदी के नाम पुकारने पर भी उपस्थिति भी नहीं कहा। शांति कुमारी, सोना दीदी ने फिर पुकारा, इस बार थोड़ा जोर से। शांति ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। क्या तुम्हारे गले में खराश है, दीदी ने पूछा। शांति ने सिर हिलाकर नहीं कहा। उसके गाल लाल हो गए। ऐसा लगने लगा मानो उसे बुखार हो। सोना दीदी ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांति ने फिर सिर हिला दिया, लेकिन उनकी तरफ देखा नहीं। शांति, इतनी उदास क्यों लग रही हो, तुम्हारा छोटा भाई ठीक है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तो ठीक है ना, क्या तुम्हारी दादी ठीक है। शांति सभी दोस्तों के सवालों पर सिर हिलाती रही, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। अरुण को एक उपाय सूझा। उसने अपना बस्ता खोला और उसमें से कुछ निकाला। जैसे ही वह शांति को दिखाने के लिए दौड़ा, वह चीज उसके हाथ से फिसल गई। शांति ने देखा कि कोई चीज उड़कर उसके पास आ रही है। उसने देखा एक बड़ा सा हरे रबड़ का मेंढक आ रहा है। उसने लपककर उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका मुंह भी। वह जोर जोर से हंसने लगी। तभी अरुण और बाकी सभी देखा कि क्यों वह पूरे दिन हंस नहीं रही थी और न ही बातें कर रही थी, क्योंकि उसके चार दांत जो गायब हो गए थे। बताओ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अच्छा, जब आपके दांत टूटते हैं क्या आप भी उदास हो जाते हो, या ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे जब आपके दांत टूट गए। अच्छा ये बताओ, शांति क्यों उदास थी पूरे दिन, आपको क्या लगता है ऐसा। चलो मुझे जल्दी से बताओ। अब हम मिलते हैं फिर अगली कहानी में। बाय बाय।